हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलेब्रेट। सेलेब्रेट हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल की, यानी अप टू 60 ईयर वालों। इसमें क्या आपका, अगर किसी की इनकम 2 लाख जीरो से लेकर 2,50,000 रुपये तक की है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 से 5 लाख रुपीज़ तक की है तो 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 5 लाख रुपीज़ 1 रुपीज़ टू 10 लाख है तो 20%, अबोव 10 लाख है तो आपको 30% लगेगा। एक कंसेप्ट आती है सरचार्ज की। सरचार्ज कब लगता है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाए लेकिन 1 करोड़ तक है तो आपको 10% के हिसाब से सरचार्ज देना होगा। ये आपकी कौन सी लायबिलिटी है, टैक्स ऑन टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स पर टैक्स लगता है ये आपका। कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको अभी क्या होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन अगर इनकम क्रॉस कर दे किसको, अबोव 1 करोड़, तब कितना हो जाता है सरचार्ज आपका, कितना हो जाता है 15%। और क्या है, अगर और कैटेगरी की आपकी, अगर आपकी कहाँ से कहाँ तक हो जाए ये, कुछ नहीं, उसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, पहले तो आप दो ही समझिए। आप पहले तो 1 करोड़ तक आपकी चली गई है तो आप कितनी हो गई है, 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है तो आपकी कितनी होगी, 15 करोड़। ठीक है, अभी 25% और 37 आएगी। एक बार आप दोनों को समझिए, पहले कंसेप्ट समझिए। सरचार्ज की बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। बात आई एजुकेशन सेस की, ये भी आपको कहाँ पर लगता है, टैक्स ऑन टैक्स लायबिलिटी है, जो कि गवर्नमेंट जैसे आपकी एजुकेशन के लिए आपकी एक, इसमें आपका जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब वही मैं बता रहा हूँ आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो आपका एजुकेशन सेस है उसमें गवर्नमेंट ने 0.5% आपका क्या ऐड कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टोटल बना दिया। और कितना पे करना होता है आपको, 4% के हिसाब से। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको, कितना पे करना है आपका, 4% के हिसाब से आपको पे करना है। ठीक है, इंडिविजुअल का एक बार देखिए आप, इंडिविजुअल का क्या है, 0 से 2,50,000 तक आपको 0% देनी है, 2,50,000 से 5 लाख है तो आपको 5%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20, और अबोव 10 लाख है तो आपको 30 देना है। सरचार्ज की एक बार कंसेप्ट आप समझिए कि टैक्स ऑन टैक्स लाइबिलिटी है, लेकिन कब देनी है, जब आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इतना समझ गए आप। और एजुकेशन सेस कितना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4%। ठीक है, बात आई आपकी किसकी, सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन की जो कि एज है आपका, और एज ग्रुप क्या आपका 60 से लेकर 80 तक का, इसमें आपका क्या है, अप टू 3 लाख क्या है, नील 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का आपका 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का है आपका 20%, और आपका अबोव 10 लाख है कितना, 30%। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, हाँ, जो अभी करंट में चल रही वो ये आपका है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, सीनियर सिटीजन के केस में। और जो एजुकेशन से है वो सब ईयरली होती है भाई, टैक्स हमेशा ईयर की इनकम पे लगता है, एनुअल पे लगता है। ठीक है, ओके। और जो आपका सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है उसका है आपका अप टू फाइव लैख कितना आपका, नील 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपका 20%, और अब वो 30%। ठीक है, सरचार्ज और एजुकेशन से दोनों के केसेस में आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ समझिए, एक ना रिबेट मिलती है, हाँ क्यों नहीं है, डॉक्टर रतन टाटा है, नहीं है धर्मेंद्र सीनियर सिटीजन है ना, बहुत सारे होंगे, एक क्या बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो एक रिबेट है 87A सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ध्यान से सुनना। ये डबल टैक्सेस अभी बाद में डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, डबल टैक्सेशन बेसिकली, वैसे डबल टैक्सेशन इंटरनेशनल में आता है, मतलब एक पर्सन इंडिया का है, रेजिडेंट है, और अगर आप यूएसए से इनकम लेके, हाँ भाई, एक ना एक रिबेट है आपकी 87A की,
कंडीशन क्या है, अगर किसी पर्सन की इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, कितनी है अप टू 5 लाख रुपीज है, तो उस पर्सन को कितना मैक्सिमम ऑफ 12,500 रुपए की रिबेट मिल सकती है। जैसे कैसे, अब देखिए किसी पर्सन की इनकम मान लो वो नॉर्मल है 2 से 2,50,000 रुपए, तो कोई टैक्स तो लग ही नहीं रहा, लेकिन 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% इसका जो 2.5 लाख का 5% बनता है वो 12,500 रुपए बनता है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी इनकम, ये रिबेट तभी मिलेगी जब उसकी इनकम 5 लाख से कम हो, तब उसको कोई टैक्स नहीं देना। यानी किसी की इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन किसी की इनकम 5,01,000 रुपए भी हो गए ना तो इसको रिबेट नहीं मिलेगी। कुछ समझ में आया आपको मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा आपको कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसको रिबेट मिल जाएगी 12,500 की एज पर सेक्शन 87A की। लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम 1 रुपये भी अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगी, या तो उस 1 रुपये को वो डोनेट करे, कुछ करे, 5 लाख रुपए तक रखे, नहीं तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, हाँ रिबेट तो 5 लाख तक है तो टैक्स नहीं देना आपको। ठीक है, आई समझ में? ठीक है, ओके। ये स्लैब रेट ठीक है इसके लिए, इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, एक ना इसका अल्टरनेट आपके पास आया, वो क्या है आपके पास 1150 BAC सेक्शन है आपका। गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे दिया, गवर्नमेंट ने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, तो आप उस स्लैब रेट से पे कर दो, या जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ इस स्लैब रेट से पे कर दो। क्या है वो स्लैब रेट आपके पास इस तरीके की है, वो जो स्लैब रेट आपने देख लिया, चाहे तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर दो, या इसी ये जो कंसेप्ट है आपके 2020 में आया था आपके पास, वो अभी भी अप्लाई है आपका, कि या तो उस स्लैब रेट से पे कर दो, या आपको लगता है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी इससे कम पड़ती है तो आप इससे कर दो। ठीक है, इसमें क्या आपका, इसमें आपका इस तरीके से चलता है 0 से 2.5 लाख, कितना होता है आपका 0%, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का कितना बना आपका 5%, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख कितना पे कर दो 10%, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक का आप कर दो 15%। ठीक है, 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक का आप पे कर दो 20%, और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक पे कर दो आप 25%, और अबोव 15 कर दो आप, अबोव 15 कर दो आप 30%। ये आपके पास एक ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने अल्टरनेट, आपको लगता है ना कि इससे मेरी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है तो आप इससे पे कर दो, आपको लगता है उससे मेरी पे कम बनती है तो उससे पे कर दो, लेकिन इसमें ना बहुत सारी आपको डिडक्शन नहीं मिलती, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिलता आपको, HRA की भी डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन ऑप्शन आपके मतलब इसमें जितनी भी डिडक्शन मिलती है वो आपको कहीं ना कहीं कम कर दी जाती है। 70 प्रकार की डिडक्शन है जो इसमें नहीं मिलती। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि ये या तो आपके पास ये ऑप्शन है 115 BAC का आप यूज़ कर लो, या आप उसको यूज़ कर लो, लेकिन आपके लिए इसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ भाई, ये जो स्लैब रेट समझ में आई आपको? अब देखो, आपने एक चीज़ समझ में आई होगी, आप पे यहाँ पर ना कोई भी कैटेगरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल हो, सभी के लिए जैसा है आपके पास। ठीक है, और ये अप्लाई भी आपका HUF पे भी अप्लाई होता है, इंडिविजुअल के अलावा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वहाँ पे भी अप्लाई होता है आपका, और ये जो नॉर्मल रेट थी ना वो भी यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, बात आई आपकी एक जो सरचार्ज की रेट है, सरचार्ज जैसे मैंने बताया आपको, सरचार्ज कैसे निकलता है, पहले ना आप GTI निकालते हो, ग्रॉस टोटल इनकम, वो पूरी प्रोसेस हम कल बताएंगे आपको कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, सरचार्ज कैसे निकलता है, मार्जिन रिलीफ क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन रिलीफ, ये सब कल बात करेंगे। एक बार ना आपने ये जो पढ़ा है आपने स्लैब रेट, एक तो ये पता होनी चाहिए, आप एक बार दोबारा देखिए, आप समझिए, 0 से 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 लाख से आपका 5 लाख तक आपका
5%, 5 to 10 lakh 20 और अबाउ 10 30%, अबाउ 10 सभी की 30% है, 5 to 10% सभी की 20% है, ये क्लियर ना। बस नीचे नीचे फर्क आ रहा है, एक का जीरो से मतलब 2.5 से 5 लाख तक की आपकी 5% है, एक की 3 लाख तक की एग्जेम्प्टेड, एक की 5 लाख तक की, एक में 5 लाख है ही नहीं, एक तो ये पढ़ा आपने। उसके बाद आपने पढ़ा कि किसी भी पर्सन की इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो उसको एक डिडक्शन मिल जाएगी 12,500 रुपए की, डिडक्शन नहीं रिबेट मिलेगी, कितने रुपए की 12,500 रुपए की, और सेक्शन क्या था 87A। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास आया वो ये आया कि आप अगर इससे पे नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके से पे कर दो, जो आपके पास अल्टरनेटिव है अंडर सेक्शन 115BAC, उसमें क्या है आपका देखा आपने हर 2.5 लाख पे आपका स्लैब रेट है, वही आपका 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड, फिर 5% अगले 2.5 पे, अगले 2.5 पे, और 15 लाख तक आपका 30% हो जाएगा, मतलब अब वो 15 लाख 30% आ जाएगा, है ना, ये पढ़ा आपने। उसके अलावा एक और चीज़ आती है आपके पास जो बहुत कम को पता होती है, आपने पता है कि जो टैक्स रेट आती है वो आती है बजट में, देखा ना बजट वाले स्पीच में आती है टैक्स रेट सब कुछ रिबेट, उसको क्या बोलते हैं, मतलब हाउ टू इम्पोज, या कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो इम्पोज कराता है टैक्स, कौन सा होता है वो आपका डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है आपका कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, फिर वो राज्यसभा से पास होता है, मेरी बात समझ में आई, ये बहुतों को नहीं पता होता ये बात, कहाँ से पास करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट में। आपने देखा होगा अगर आपने कभी बजट स्पीच देखते हो ना, कभी लास्ट में जब बजट स्पीच कंप्लीट होती है ना तो उसके बाद दो डॉक्यूमेंट पकड़ाती हो, एक तो फाइनेंस एक्ट होता है जिसमें आपका ये होता है, एक आपका जो पूरा का पूरा जो अदर रह गया ना वो उसके रिगार्डिंग वो पास करवाना पड़ता है, जो बजट स्पीच आपकी बनी उसमें आपका फाइनेंस एक्ट होता है उसको पास करवाना होता है उससे, राज्यसभा और फिर लोकसभा और राज्यसभा से, बात समझ में आई आपको, तो इसलिए वो कहाँ से होता है आपका, टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, ठीक है ओके, और रेट कैसे कैलकुलेट किया आपने देख लिया, ठीक है ओके।